तो दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं एक और नए शूज़ प्रेडिएटर। देखिए शूज़ वाइट कलर में है हमारे पास। अभी देखते हैं इसका क्लोज लुक एक बार इसको थोड़ा क्लोज देख लेते हैं। क्लोज लुक इसका ये देखिए भाई, ये एज कितनी मस्त हमें दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए भाई साहब मस्त एकदम। ये देखो ये डायमंड की तरह ये एडिडास का लोगो चमक रहा है, डायमंड वाली फील दे रहे हैं हमें। सब आठ दोस्तों इसके स्टड्स प्लेट की बात कर लेते हैं हम। ये देखिए भाई क्या है इसका, ये देख आप देख रहे हैं ना, ये डायमंड की तरह लग रहा है हमें। ये डायमंड की तरह एक्सपेरिमेंट किया है कंपनी ने। इसकी स्टड भी थोड़ी यूनिक दी गई है। ये देखिए एकदम ये जो मॉन्स्टर्स के जो नाखून नेल होते हैं ना उस तरीके से, ये देखिए दोनों हाथ बने हैं। बहुत ही बढ़िया, स्पाइडरमैन वाली भी थोड़ी थोड़ी फील दे रहा है मुझे। आपको दे रहा है कि नहीं कमेंट कीजिए। ये रही स्पाइडरमैन की वेब, ये देखिए। हम फिर से स्टड पे आएंगे थोड़ी देर में, पहले इसके ऊपर ऊपर की बातें कर लेते हैं। ये देखिए इसकी बहुत ही बढ़िया हमें लेस मिल जाती है इसमें हमें। ये लेस हमें काफ़ी लंबी भी प्रोवाइड की गई है जिससे हमें कंफर्ट भी रहे और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो फिर से आ जाते हैं हम एक बार स्टड पे। और हमने ना इस बार इसकी हाईलाइट है ना इश्यूज की, पहले मैं इस चीज को घुसा देता हूँ अंदर, डबल मीनिंग मत लेना कोई। तो हम इसकी हाईलाइट जो है ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल हम जिसको स्टड्स कहते हैं ना वो है इसकी मेन हाईलाइट। कंपनी वाले ऐसा कहते हैं कि अगर हम शूट मारते हैं तो ये जो है ना ये हमें हेल्प करता है शूट की पावर इंक्रीज करने। मतलब कि आपने कोई शूट ऐसे घुमाया तो इसके जो ये आगे की ओर घटी है, मतलब कि हम कभी भी इस तरीके से हम शूट मारेंगे ना यहाँ इस एरिए से तो बहुत ही बढ़िया शूट जाने वाला है ऐसा कंपनी वाले। और हाँ इसमें ना एक चीज़ भी बहुत बढ़िया है, ये देखिए आप पहले शूज को देखिए, इसकी जो हमें लेस देखने को मिलती है ना थोड़ी इससे, मतलब कि हमें बॉल को शूट करने के लिए हमें इतना पार्ट मिलने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा है। इस तरफ से भी हमें पार्ट काफ़ी वाइड मिलने वाला है और इस तरफ से तो हम बहुत ही कम शूट लेते हैं, मतलब कि बहुत ही रेयर हम मारते हैं। तो जो हम बॉल को टच करने वाला पार्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया हमें मिलने वाला है। और इसके स्टड्स की आगे की बात करें तो ये अग्रेसिव स्टड्स पैटर्न है और इसका वेट हम देखें तो समथिंग 200 ग्राम है। तो ये शूज़ हमें पहनने चाहिए कि नहीं? हाँ तो मैं कहूँगा ये शूज़ हमें पहनने चाहिए। ये देखिए बढ़िया आसानी से मुड़ने वाले हैं ये शूज़, क्योंकि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली शूज़ में। ये देखिए काफ़ी ड्यूरेबल भी लग रहा है। ये देखिए ये ड्यूरेबिलिटी की बात हमने की है तो ये देखिए यहाँ पर हमें कोई पेस्ट वेस्ट नहीं दिख रही आगे की ओर, जिससे हमें एक ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है कि ये ड्यूरेबल तो बहुत ही ज़्यादा है ये शूज़। इसको कौन कौन पहन सकता है? तो इसको हम पहन सकते हैं मिडफील्डर्स, स्ट्राइकर्स और हाँ बस यही पहन सकते हैं। डिफेंडर को भी पहनना हो तो पहन सकते हैं, लेकिन इसको तो डिफेंड करना है, अभी अग्रेस नहीं करना तो वो ना ही पहने तो बढ़िया है। उसके लिए पूमा के भी बहुत सारे शूज़ है, वो बेस्ट रहेंगे। और हाँ मैं एक और बात बता देता हूँ, हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये शूज़ अग्रेस के लिए है या डिफेंड के लिए है? तो ये जो इसकी स्टड्स पैटर्न होती है ना, ये देखिए ये नुकीली स्टड्स पैटर्न है, मतलब कि इसको ना हमें ग्रिप ग्राउंड पे ना ये इस तरह से ग्राउंड पे बैठेगा और ये हमें दौड़ने के लिए हेल्प करेगा। मेरे हाथ को देख कैसे हाथ में पूरा ऐसा ये जमा जा रहा है, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा किस तरह से ये जम जा रहा है हाथ में, मतलब ये हमें ग्राउंड पर बढ़िया ग्रिप देगा, मतलब कि हम दौड़ सकेंगे आसानी से। और इससे एक बात भी साफ होती है कि हमें कभी कभार कोई ग्राउंड हार्ड हो तो उसमें हमें इंजरी की भी चांसेस इस टाइप के शूज़ में ज़्यादा रहती है। इसके लिए आप कमेंट करो, इसके लिए मैं इस टॉपिक पे एक पूरा अलग ही वीडियो बना हुआ नहीं
अगर बनाना है तो कमेंट में यस टाइप कीजिए। तो यह शूज़ ये आप देख सकते हैं आगे से बहुत ही सॉफ्ट मिल रहा है। ये देखिए ये बोल के लिए एक्स्ट्रा ग्रिप हमें प्रोवाइड करेंगी। और अब हम सोल की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सबसे पहले तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल मटेरियल से बना हुआ है। देख सकते हो कितना हमारा पैर जब जाएगा ना तब हमें पता चलेगा कि कितना ही है। तो ये यहाँ पे देखिए हमें पैडिंग सब कुछ मिल रही है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे रेडिएटर लिखा हुआ है H3। तो पैडिंग तो बढ़िया है। सोल की बात करें तो सोल भी काफ़ी सॉफ्ट मिल रहा है हमें, मतलब कि कंफर्ट तो ये बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है। देखते हैं शूज़ के अंदर से भी हम, अगर मेरा ये हाथ देखिए, हाथ एकदम अंदर मस्त एकदम फिट हो चुका है। ये देखिए कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरा हाथ जरा भी नहीं, मुझे निकालने में के लिए भी कोई दिख नहीं रहा होगा कि निकालने के लिए भी बहुत ही वो ना कोशिश करनी पड़ रही है। मतलब ये शूज़ तो बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है। तो ये देखिए इसका एक लुक और दूसरे शूज़ को ये भी सेम ही है, सब कुछ सेम है इस शूज़ के में। इसके अंदर सोल की बात कर लेते हैं तो इसके सोल में ना एक लोगो दिया है एंड प्लास्टिक वेस्ट, मतलब ये प्लास्टिक वेस्ट एंड करने का हमें, और जो बात भी सर काफ़ी सही है। ये हमें हील पे थोड़े ये स्टड्स जैसे मिल रहे हैं एकदम लाइटिंग ब्लू और वाइट कलर कॉम्बिनेशन में, कि ये शूज़ हमें लुक के साथ गेम भी देने वाले हैं। ये शूज़ हमें फॉर ड्राइवर पहनने चाहिए, इसकी जो ड्यूरेबल शूज़ है, बहुत ही बढ़िया शूज़ बनाया है कंपनी वालों ने, फिटिंग भी बढ़िया है। इसको हम हार्ड ग्राउंड पे हम पहने तो ठीक रहेगा इस शूज़ को। और अगर हम इंडियन वेदर के तो बात करते हैं ना, तो इंडियन वेदर्स के से बात करें तो ये इंडियन वेदर के लिए एकदम परफेक्ट शूज़ है। इसकी जो स्टड है ना वो बहुत हाई नहीं है, मतलब कि ये एकदम हार्ड ग्राउंड के लिए बेस्ट रहेगा, समझ रहे हैं। तो बस यही थे हमारे एडिडास के रेडिएटर H3। किसी और वीडियो में तब तक के लिए।